मतलब उससे उड़ा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा सही से। पिलोटा ऐसे पंजा मार के, अभी मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया खाली रोड में दूसरे के बाद ढेर। स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे नए व्लॉग में। तो कल से हमें यार एक कबूतर परेशान कर रहा था, मतलब उसका एक पैर खराब है, मतलब उससे उड़ा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा सही से। तो कहाँ गया वो कबूतर? देखो कबूतर, देखो कितना शानदार है बिल्कुल। बादशे मिट्टू करतब करके दिखाओ, करतब कर रहा बिल्कुल। चलो सही से चल के दिखाओ, सही से चल के दिखाओ। है जानदार, है जानदार चीज। तो इसका एक टांग खराब है बेचारे का, देखो एक तो सही है, एक जो है मतलब लंगड़ा कबूतर है, इससे चला नहीं जा रहा, उड़ा नहीं जा रहा। तो हमें इसका क्या करना चाहिए बेचारा? दो दिन से देख रहा हूँ मैं इसे, मैंने कल ही से अपने जहाँ हमारे कबूतर है हमने बनाया हुआ है कबूतर का, मतलब जंगली कबूतर है, वहां जहाँ एक टॉयलेट के ऊपर बनाया हुआ है वहां भी मैंने इसको रखा दो बार। तो ये ना वहां के मुझे लग रहा है जो कबूतर है पुराने वो इसे नीचे फेंक देते हैं या ये खुद ही उड़ के आ जाता है, कुछ कहानी समझ नहीं आ रही। तो अभी इसके देखेंगे दोबारा। रामलाल इधर आओ, मतलब जैसे दोनों पंख ठीक हो कबूतर के अगर और पैर खराब हो तो क्या कबूतर उड़ नहीं सकता? मुझे कमेंट में बताओ। मुझे लग रहा है इसकी हड्डी उतर गई, जैसे ये टाइट है ना, जैसे ये टाइट है, देखो ये टाइट है और ये वाला मतलब थोड़ा, देखो आपको लग रहा होगा ढीला सा है। तो इसकी मुझे लग रहा है नस वस दब गई कोई। वैसे कबूतर ठीक है, जंगली कबूतर मैं पहले बहुत डरता था, मुझे लगता था ये काट लेंगे कुछ करेंगे, लेकिन बेचारे नादान है काफी, ये घबरा रहा है बेचारे की आवाज तो आ रही सांस लेने की, लेकिन क्या करें हमारे पास कोई चारा नहीं है, छत पे भी नहीं छोड़ सकते, बिल्ली आती है बिलाऊ बिलोटा बिलोटा ऐसे पंजा मार के। A few moments later. तो हमें इसे निकालना तो है ही यार बेचारा, नहीं अंदर कुछ हो जाए इसे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यार आप ये ना सोचना कि मैंने इसको कबूतर को मतलब व्लॉग बनाने के लिए पकड़ा है, या मैंने इसकी मैंने टांग तोड़ दी और मैं ये सब कर रहा हूँ, ये गलत है। मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कबूतर जहरीले नहीं होते और मारते नहीं, अब डरते हैं, डर यार डरना क्या बेचारे, देखो डरना क्या इनसे, बड़े मासूम है नादान है बेचारे। अब हम किसी आदमी की भी तो मदद करते ही हैं यार, अगर किसी के चोट लग जाए या कुछ तो ऐसे हैं, अगर रास्ते में किसी के चोट लगी ना कोई आदमी चाहे मर रहा हो भाई पुलिस केस नहीं चाहिए, चलो गलत है यार, किसी की जान बचा लो सवाब मिलेगा। लेकिन जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया इसका, तो अभी यहाँ भी खतरा ही है, मैं इसको अंदर छोड़ देता। अभी मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, देखते हैं क्या करना है, वो तो बाद की बात है। 2 hours later. तो जी इसे मैं अभी वहां छोड़ के गया था 2 घंटे पहले और ये हमें मिला नीचे। Oh.
इसे थोड़ा उबा के रख दो। तो वहां रख दिया मैंने इसे छुपा के, बिल्ली से बचा के। अब देख रहे हो इसकी कितनी जिंदगी है। बाकी बहुत गंदी स्मेल आ रही, तो चलो ठीक है, देख रहे क्या होगा, बने रहे हमारे साथ। अभी मैं आया हूँ जिम, और जिम में क्यों आया हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा। चलो पांच छह बंदे बता रहा था, पांच छह बंदे ही है। एक तो कोई भी मार दे बादशे, तो भाई साहब चेस्ट की पूरी एक मारने में क्या दिक्कत है, चेस्ट की पूरी एक्सरसाइज मारने जब के जिम गए थे जब तो इनसे कुछ हुआ नहीं। ये जा रहे थे सुबह जिम, अगर मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा कि मैं जिम क्यों जा रहा हूँ, तो मैं जिम इसलिए जा रहा था, इन बादशे का फोन आया मेरे पास कल रात, नहीं कल रात हमारी बात हुई कि जी जिम चलेंगे सुबह, आज सुबह। तो ठीक है जी, मैं मतलब 6 बजे मेरी आँख खोली, मैं अभी तो 6 ही बजे, 8 बजे उठूंगा। 8 बजे मैं उठा, मैंने इसको मैसेज करा, मैं भाई रेडी है, मैं रेडी से मैसेज कर गया, फ्रेश होने चला गया। आगे देखा ना मैसेज सीन हुआ ना कोई कुछ, फिर मैं भाई सो गया आगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसने मुझे पंप करा ना रात के कैसे करना है कैसे करना है सुबह कैसे जाना ये वो, मैं चल भाई जाना ही होगा। मैंने एक रात पहले ही मतलब कल रात ही जूते उते निकाल के बाहर मैंने रख लिया, मैंने पजामा और शर्ट वगैरह टी शर्ट निकाल के, मैं कहा मैं सुबह मैं ना जिम पहन के जाऊंगा। ठीक है जी, सो गया मैं भाई। और फिर मेरे से जनाब कहते हैं कि सुबह चलेंगे जी, मैसेज भी आ रात को कि सुबह चलेंगे 6 बजे, मैं कहा जी ठीक है, यहाँ मामू की बिरयानी है वो खा के चलेंगे। ठीक है, कोई ऐसा पता नहीं, 12 बजे फोन आ रहा है, यार तू मुझे फोन कर देता सुबह मैं चलता अगर उठ ही गया था। तो इसको लेके गया था मैं, अब बता दे तुझे लेके नहीं गया था, लेके तो गया मैं इसको लेके गया। ये भाई साहब आए, मैंने इनको बोला 20 पुशअप्स लगाओ। कितने पुशअप मारे? पुशअप मार दो ना 16। 16वें पुशअप में ना थुड्डी जमीन पे लगी, नाक से खून निकल रहा था इनकी। उसके बाद नहीं, अब हम बताएंगे ना तुम्हें। उसके बाद इन्होंने पता क्या करा है, इनको बेंच बोली, बेंच लगाओ। वेट जो है ना, कह रहे भाई तू वेट लगा दे, वेट लगा दे, खाली रोड में दूसरे के बाद ढेर। क्योंकि आज जो था मेरा पहला दिन था, मैं पहले भी गया था, मेरा फर्स्ट डे देखा होगा आपने, अभी डाल दूंगा मैं क्लिप, मैंने बनाई थी जो मैं फर्स्ट डे गया था ना, मैं 2 दिन गया, तो फिर संडे आ गया, फ्राइडे सैटरडे गया, संडे आ गया, तो संडे रात को ना मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं उसके बाद ना मैं फिर आज गया, तो आज का ये सारा मैटर था, जो भी हुआ ठीक हुआ। और सुबह की बात करें तो सुबह का वो जो पिजन था वो ठीक है, मैंने उसको रेस्क्यू किया, साइड में रखा, मतलब एक जगह उसके लिए हमने बनाई, हम अभी गए थे शाम को असर के बाद, उसके लिए हमने जगह बनाई, दाना पानी उसको डाल दिया, ठीक है, अब सुबह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं साहिल मिर्जा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। मैं आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग में इसकी हरकत है। जिम में पांच जिम में 5 एक्सरसाइज बताओ तो 2 करके भाग लेता है वहां से, ये भी बताऊंगा भाई। ऐसा ही होता है, बिगनर ऐसे ही करते हैं।